वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर फॉर ऑल विद डॉक्टर रक्षिंदा होप यू ऑल आर डूइंग गुड क्या आपको विंटर सीजन या ठंडी का मौसम अच्छा लगता है मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बट ठंडी के सीज़न में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉलो करने चाहिए जिससे हम पूरा विंटर सीजन हैप्पीली एंड हेल्दीली गुजार सकेंगे सो टुडे आई बी शेयरिंग विद यू सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू कीप योर सेल्फ हेल्दी ड्यूरिंग विंटर सो लेट्स बिगिन फास्ट विदाउट एनी डीले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको फॉलो करना है यू हैव टू ईट अल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट हेल्दी डाइट क्या क्या इंक्लूड करता है यू शुड इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स सारे पल्सेस ग्रेन्स हमको इंक्लूड करना है डाइट में फ़िश आप खा सकते हैं पोल्ट्री अगर इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन इंक्लूड ऑल पॉसिबल जो भी नट्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट सारे नट्स हैं सारे सीड्स हैं हमें अपने फूड में इंक्लूड करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी uh, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विंटर सीजन में काफ़ी आ जाते हैं एवरी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स यू गेट इन विंटर वेराइटी मिलती है कलर्ड वेजिटेबल्स की सो यू सी टू इट के यू ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कलर्ड सीजनल जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं योर प्लेट शुड बी अ पैलेट ऑफ कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स हर टाइप का कलर का फ्रूट एंड वेजिटेबल अपने डाइट में आपको इंक्लूड करना है इंक्लूड अ लॉट ऑफ विटामिन सी रिच फूड आइटम्स क्योंकि विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाती है सर्दी को फ़ाइट करने में मदद करता है सो so, विटामिन सी किस में होता है आंवला इज़ अवेलेबल इन विंटर सीजन देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बेरीज यू कैन हैव स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है मार्केट में यू कैन हैव दैट उसमें काफ़ी विटामिन सी होता है गुआवा है देन uh, uh, रतालू जिसे कहते हैं स्वीट पटेटो इज़ आल्सो अवेलेबल तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं और सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी है मेथी है पालक है अवेलेबल इन द मार्केट सो इंक्लूड दैट इन योर डाइट जस्ट टू कीप योर इम्यून सिस्टम फिट फाइन एंड हेल्दी इंक्लूड लॉट ऑफ गार्लिक एंड जिंजर सारे हर्ब्स एंड स्पाइस मसाले इंक्लूड करिए अपने डायट में ईट लॉट ऑफ हॉट थिंग्स या वॉम थिंग्स गर्म गर्म चीज़ें लीजिए ज़्यादा मसाला चाय यू कैन हैव लॉट ऑफ हर्बल टीज आर अवेलेबल इन द मार्केट कैमोमिल टी है लेवेंडर टी है सो यू यूज़ दैट गार्लिक जिंजर है उसका ज़्यादा यूज़ करिए ब्लैक पेपर उससे क्या होता है कि हम इम्यून uh, सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है एंड यू कैन फाइट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायरल फ़ीवर कोल्ड कॉफ जो भी होता है ये सीज़न में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर वाटर क्या करता है हमारे सारे बॉडी में जो टॉक्सेंस है उसको फ्लश आउट करता है सो so, ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो हमें पानी नहीं पीना है एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ अ मस्ट इवन इन विंटर सीजन क्योंकि क्या हुआ कि डिहाइड्रेशन या कम पानी पीएंगे तो इम्यून सिस्टम हमारा वापस लो हो जाएगा तो उससे इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी हमारी काफ़ी लोअर डाउन हो जाती है तो यू हैव टू सी टू इट के यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर अराउंड एट टू टेन ग्लासेज ऑफ वाटर पर डे थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी आपको करना है एक्सरसाइज मतलब मैं बार बार कहती हूँ कि इट्स नॉट के यू हैव टू गो टू अ जिम एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी आप वॉकिंग कर सकते हैं थर्टी टू फोर्टी मिनट्स एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एनी रिलैक्सेशन टेक्निक्स या योगा कर सकते हैं स्कीपिंग करिए गार्डनिंग करिए कुछ वॉकिंग करिए बट सी टू इट क्या आप uh, थर्टी टू फोर्टी मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज भी अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड करें उससे भी काफ़ी हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी uh, को बढ़ाता है एंड हमारे डिफेंस सिस्टम को जिससे हम uh, जो डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी में जो फाइट करता है अगेंस्ट कोल्ड एंड कॉफ उसको भी स्ट्रेंथन अप करता है तो यू कैन हैव अ बेटर इम्यून सिस्टम जो सर्दी खांसी से लड़ सकेगा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ स्लीप स्लीप इज़ अ मस्ट विंटर सीजन में भी जो हमारा एक कोटा होता है सेवन टू एट आवर्स दैट इज़ अ मस्ट ना हमको ओवर स्लीपिंग भी नहीं करना है कि विंटर सीजन है तो बहुत सारे लोग देर तक सोते रहते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड एंड कम सोना भी नहीं है इंपॉर्टेंट बिकॉज कम सोने से भी हमारी इम्यून सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी लो डाउन हो जाता है डिक्रीज हो जाता है सो यू विल कैच अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन सो सी टू इट कि आपको प्रॉपर स्लीप मिले स्लीप में भी हमारी कैलरीज बर्न होती है हमारी ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी री एनर्जाइज हो जाती है रिजूव बैलेंस हो जाती है एंड हमारा स्ट्रेस लेवल जो कोर्टिसोल uh, होता है स्ट्रेस हार्मोन होता है वो भी कम हो जाता है सो स्लीप इज अ मस्ट ठीक है नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू हैव टू फॉलो इन विंटर सीजन इज प्रॉपर हाइजीन आपको फॉलो करना है यू हैव टू वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली और आपके फेस को आईज नोज़ माउथ को बार-बार हमें टच नहीं करना है विद योर हैंड्स उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन वी कैरी फॉरवर्ड लाइक हाथ से हम अपने नाक मुंह में जो वायरस और बैक्टीरिया काफ़ी ट्रांसफर करते रहते हैं तो, तो यू सी टू तो इट कि आपके हाथ भी बार बार धुले हो एंड यू डोंट टच योर फेस अगेन एंड अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच यू हैव टू टेक केयर इन विंटर इज़ योर स्किन स्किन तो uh, बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर सीजन में हमें उसका काफ़ी ख्याल रखना है बिकॉज स्किन विंटर सीजन में काफ़ी ड्राई हो जाती है बहुत सारे लोगों को इचिंग स्टार्ट हो जाती है स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है डैंड्र फॉर्मेशन काफ़ी हो जाता है ड्राइनेस ऑफ स्किन इज़ वेरी कॉमन लिप्स हमारे ड्राई क्रैक्ट हो जाते हैं हील्स क्रैक्ट हो जाते हैं तो हमें स्किन का खास ख्याल रखना है कैसे ख्याल रखेंगे यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर स्किन को भी हेल्दी रखने के लिए हमें पानी ज़्यादा पीना है मॉइस्चराइज़ करना है अपनी स्किन को यू कैन अप्लाई एनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आपको सूट करता हो ऐसे कोई पर्टिकुलर एक सिंगल नहीं है बट यू कैन अप्लाई वैसलीन इफ़ यू वॉन्ट वो आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट रखेगी लिप्स पर भी आप वैसलीन लगा सकते हैं एंड वेन यू गो आउट इन द सन ऑल्सो जो टाइम पे भी अगर सन में अगर आप निकल रहे हो तो अप्लाई अ सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाला जो क्रीम है है वो अप्लाई करके ही निकलिए बट सी ड्राई काफी आपकी स्किन लेट इट बी मॉइस्ड एंड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्सो अफेक्ट योर स्किन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको ख्याल रखना है कि आपको विटामिन डी भी जरूर मिले ये सीजन में क्योंकि क्या होता है कि सनलाइट नहीं रहती है तो हम लोग बाहर भी नहीं जाते हैं ठंडी में बिकॉज यू फील कोल्ड तो यू डोंट गेट इनअ विटामिन डी सो देर आर मोर चांसेस के जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएंगे तो यू सी टू इट के अगर वेन एवर देर इज सन लाइट वेन एवर यू हैव टाइम यू गो आउट एंड सोक इन द सन लाइट आप वो धूप लीजिए जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा आपके बोन पेन्स uh, कम हो सकते हैं उससे बोन्स में दे रिक्वायर विटामिन डी एंड विटामिन डी क्या करता है हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमारे मूड को रेगुलेट करता है इट कीप्स यू न गुड हेल्दी मूड मेंटल स्टेट आपका काफ़ी अच्छा रहेगा तो देखिए आपके कैसे भी टाइम निकाल के आप विंटर सीजन में भी आपको विटामिन डी ज़रूरी है इट्स अ मस्ट यू हैव टू गो आउट एंड सोक इन द सन सोक योरसेल्फ इन द सन टेक फिफ्टीन मिनट्स या टेन मिनट्स विटामिन डी में धूप में आप रहें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यू हैव टू क्विट स्मोकिंग स्मोकिंग अगर कर रहे हैं आप तो टोटली totally आपको बंद करना है क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है कि ब्रेथलेसनेस ट्रिगर हो जाएगा अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा विंटर सीजन में हमारे जो एयरवेज होते हैं वो काफ़ी नैरो डाउन हो जाते हैं सो यू सी टू इट कि अगर आप स्मोकर हैं तो स्लोली स्लोली या तो आप कम कर दें या टोटली तो totally बंद करना है आपको स्मोकिंग uh, की आपकी हैबिट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप टू कीप योर सेल्फ हेल्दी इज एक आप हेल्थ चेकअप ज़रूर करवा लीजिए विंटर सीजन में क्योंकि विंटर सीजन में देर आर मोर चांसेज ऑफ अस्थमा ब्रेथलेसनेस अस्थमेटिक अटैक्स काफ़ी लोगों को हो जाते हैं जॉइंट पेंस काफ़ी होते हैं देर आर मोर चांसेज ऑफ सीजनल फ्लू वायरल फ्लू कोल्ड कॉफ सो थ्रोट बहुत हो जाता है और हार्ट अटैक के जरा मोर चांसेस इन दिस सीज़न विंटर सीजन में हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं काफ़ी तो आप एक चेकअप एटलीस्ट ड्यूरिंग विंटर सीजन करा लीजिए जस्ट विथ योर फिजिशन और जो आपका फैमिली डॉक्टर हो आपका ब्लड प्रेशर शुगर एक uh, दो तीन बार एटलीस्ट विंटर सीजन में आप देख लीजिए कि आप चेक uh, करवा लेते हैं अनदर इम्पोर्टेंट टिप विच यू हैव टू फॉलो इन दिस सीज़न इज़ आपको जब भी आप बाहर निकल रहे हैं ठंडी में तो यू हैव टू कवर योर सेल्फ वे वॉर्म क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स अगर आप ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है तो यू सी टू इट कि आप अपने आप को कवर्ड रख रहे हैं एटलीस्ट द फेस एरिया कान वान आपका ढका रहे बच्चों को भी बाहर लेके जा रहे हैं तो सी के उनका फ़ेस कान एटलीस्ट ये सारा एरिया पूरा कवर्ड है दे आर वेरिंग सम स्वेटर या आप ट्रैवल कर रहे हैं बाइक पे कहीं भी तो यू कैरी विथ यू वॉम वुलन क्लोथ्स के आप अपने आप को कवर्ड रखें ठंडी हवा से बचाए रखें अदरवाइज यू देर आर मोर चांसेज ऑफ कैचिंग कोल्ड कॉफ फीवर सो थ्रोट के ज़्यादा चांसेज रहेंगे ठीक है नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिस चीज़ का हम लोग ध्यान नहीं रखते हम अपने आप को कवर कर लेते हैं वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं ठंडी है तो बाकी सारी चीज़ें फॉलो कर देते हैं बट ये पॉइंट का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं विच आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिसज़ के सीजनल uh, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो जाता है विंटर सीजन में बिकॉज सनलाइट नहीं है एंड वी आर जस्ट यू नो बाउंड इंडोज हम लोग कन्फाइन कर लेते हैं अपने आप को ठंडी की वजह से तो सीजनल डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन डिप्रेशन इन दिस सीज़नल डिप्रेशन उसे बोलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें अपनी हॉबीज़ परस्यू करें लोगों से मिलें सराउंड योर सेल्फ विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स डोंट कीप योर सेल्फ अलोन एंड आइसोलेटेड फाइनली अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे यू विल कीप गुड चेक ऑन योर डायट वाटर इनटेक प्रॉपर रहेगा योर ईटिंग अ वेल बैलेंस डायट वॉटर बराबर पी रहे हैं नींद बराबर ले रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं या गोइंग आउट इंदुस्तान फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप सराउंडिंग योर सेल्फ विद पॉजिटिव हैप्पी पीपल देन डेफिनेटली आपका विंटर बहुत ही हैप्पी और हेल्दीली uh, गुजर जाएगा विदाउट एनी मेजर प्रॉब्लम माइनर कोल्ड सोर थ्रोट हो सकता है तो फॉर देट यू कैन टेक सम होम रेमिडीज़ लाइक आप सॉल्ट वाटर गार्गलिंग कर सकते हैं स्टीम इनहेलेशन करिए ड्रिंक हॉट लिक्विड्स हेज़ आर टोल्ड यू हनी विथ वाटर यू कैन हैव जिंजर काफ़ी यूज़ कर लीजिए ब्लैक पेपर हनी में मिला के आप एक ग्लास गर्म पानी में पी सकते हैं दैट इज़ वेरी गुड फॉर कोल्ड कॉफ एंड सो थ्रोट ऑल्सो तो मेजर प्रॉब्लम से विल बी टेकन केयर ऑफ़ इफ़ यू टेक केयर ऑफ दीज ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट्स विच आई हैव शेयर विद यू ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हाँ वो बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन दिस विंटर सीजन बाय